मिसेस यूनिवर्स 2022 प्रतियोगिता के लिए छत्तीसगढ़ भिलाई की प्रेरणा धाबड़े का चयन हुआ है। बुल्गारिया में आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में भारत देश का प्रतिनिधित्व करने जाने से पहले प्रेरणा ने ग्रैंड एशियन न्यूज से खास बातचीत की है। आइए देखते हैं बातचीत के खास अंश। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ग्रैंड एशियन न्यूज, मैं हूँ शाहिन खान। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो अपने राज्य ही नहीं, जिले ही नहीं, बल्कि देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित करने जा रही है और छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करने जा रही है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ प्रेरणा धाबड़े मैडम की। इसके पहले उन्होंने 2020 में मिसेस छत्तीसगढ़ का अवार्ड तो जीता ही है, साथ ही 2021 में मिसेस ग्लोबल, ये अवार्ड भी उनके नाम है। आज हमारे साथ अपने अनुभव वो साझा करेंगी और बताएंगी कि उनका सफ़र शुरुआत से लेके अब तक का कैसा है, क्योंकि आगे तो और काफ़ी लंबा सफ़र उनको तय करना है। तो हम सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। मैडम, आपका ग्रैंड एशियन न्यूज़ में स्वागत है। तो धन्यवाद, नमस्कार। मैं जानना चाहूँगी कि आपका ये जो सफ़र रहा है, आप खूबसूरत हसीन जिसे हम उर्दू में कह सकते हैं वो तो हैं ही, आपका शुरुआती सफ़र किस तरह का रहा है? जी, मेरा शुरुआती सफ़र की बात अगर करूँ मैं तो मैं महाराष्ट्र की बेटी हूँ और छत्तीसगढ़ की बहू हूँ। शादी के बाद मैं घर गृहस्थी और अपने बच्चों की देखभाल में ही बिजी रही और एक उसके बाद जब मेरे बच्चे सेटल हो गए और जब अपनी जिम्मेदारियों से थोड़ी फ्री हुई तब मुझे लगा कि मुझे इस ब्यूटी पेजेंट की लाइन में कुछ करना है। फिर मुझे 3 साल पहले पता चला कि रायपुर में एक ब्यूटी पेजेंट हो रहा मिसेज छत्तीसगढ़ नाम से, तो मैं वहाँ पार्टिसिपेट किया मैंने, तो उसमें भी जीत हासिल की। उसके बाद मिसेस इंडिया ग्लोबल क्वीन बनी 2021 में। उसमें मुझे बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटी उस पेजेंट में आए थे और मैंने 3 क्राउन उसमें हासिल किए, मिसेस इंडिया ग्लोबल क्वीन ऑफ क्वींस, टाइमलेस ब्यूटी और मिसेस क्लासिक विनर का खिताब अपने नाम किया। और अब मैं छत्तीसगढ़ को और इंडिया को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ और यूरोप में मिसेस यूनिवर्स में पार्टिसिपेट करने जा रही हूँ। बुल्गारिया में आयोजित इस प्रतियोगिता में मिसेस यूनिवर्स तो आप इसके लिए क्या क्या तैयारी कर चुकी हैं? किसी भी प्रतियोगिता की तैयारी काफ़ी पहले से करनी पड़ती है और ये क्योंकि ब्यूटी पेजेंट है तो उसमें हर चीज़ के नंबर्स काउंट होते हैं। फिजिकली और मेंटली मेरे को दोनों तरह से फिट रहना था तो उसके लिए मैंने काफ़ी कुछ प्रिपरेशन किया है। फिटनेस के लिए जुम्बा, एरोबिक्स, योगा, मेडिटेशन करती हूँ, बैलेंस डाइट लेना है और ग्रूमिंग क्लासेस मैंने डॉक्टर वर्तिका पाटिल मैम से नागपुर में 10 दिन की ग्रूमिंग क्लासेस ली है। और भी कई सारी तैयारियां हैं, जैसे ड्रेसेस उसके लिए चाहिए, ज्वेलरी, शॉपिंग, वो सब दिल्ली से, मुंबई से लिया है, कुछ भिलाई से भी किया है। ड्रेस डिज़ाइनर प्रिया बावनकर है, उसके साथ मिलकर ड्रेस डिज़ाइन की। अशोक ज्वेलरी बैग वाले भैया मुकेश जैन जी ने ज्वेलरी प्रोवाइड की है। फोटो सेशन मेरे जो फोटो पॉइंट के जिया है उन्होंने किया है। इस तरह से एक टीम वर्क होता है। इंटरनेशनल लेवल पे आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं और हम उम्मीद भी जताते हैं कि ये खिताब आप ही के सर हो, लेकिन ये जानना चाहूँगी आपकी शादी को कितने वर्ष हो गए? मेरी शादी को 28 ईयर्स हो रहे अभी, मगर लगता है कि जैसे भी 8 ईयर ही हो। जी, मेरे हस्बैंड सेक्टर 9 हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं, बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी विभाग के हेड है और मेरे दोनों बच्चे एम्स में डॉक्टर्स हैं। मेरा बड़ा बेटा डॉक्टर उत्कर्ष दिल्ली एम्स में रोबोटिक सर्जरी में MCH कर रहा है और बेटी डॉक्टर उन्नति रायपुर एम्स में ENT सर्जरी में आगे पढ़ाई कर रही है। इतने बड़े शिखर तक पहुंचने के लिए परिवार का कैसा योगदान रहा, खासकर आपके पति? मेरा परिवार का पूरा सपोर्ट रहा। मेरा बेटा डॉक्टर उत्कर्ष दिल्ली से बीच बीच में मुझे फ़ोन करके मेरी सेहत और डाइट के बारे में जानकारी लेता था और मुझे उचित सलाह देता था। मेरी बेटी डॉक्टर उन्नति रायपुर से बीच बीच में आके मुझे डाइनिंग एटिकेट्स है या जो बाहर के तौर तरीके हैं उनसे बातचीत के, उठने बैठने के काफ़ी सारी चीज़ें बड़े डिटेल में समझाती थी। शॉपिंग में दोनों ने बहुत हेल्प की। मेरे माता पिता भाई बहन सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मेरे पति का सहयोग तो अविस्मरणीय है। वो हमेशा मुझे इनकरेज करते और मैं कभी हार मानती या थक जाती तो मुझे कहते कि हिम्मत मत हारो, या तो सफलता मिलेगी या सबक,
तुम्हें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। इतने अच्छे स्लोगन के साथ उन्होंने आपको तैयार किया है। आप बताएंगे कि आपकी स्कूलिंग, जो शुरुआती बच्चे रहते हैं हम और बाद में फिर युवावस्था में जाते हैं, स्कूलिंग और फिर कॉलेज की पढ़ाई कहाँ से हो जाती? मैं एक महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ है और मेरी टेन तक स्कूल था वहाँ पे, पिंपड़गांव नाम है उसका। वहाँ टेन तक स्कूल की पढ़ाई मैंने वहाँ से की, उसके बाद ब्रह्मपुरी में आगे कॉलेज किया है और उसके बाद फिर शादी के बाद फिर मैं यहाँ आई। कई सौंदर्य प्रतियोगिताओं में आपको मैंने जज बनते देखा है, कई बार मैं कवरेज के दौरान रही हूँ, आपके जो सवालात रहते हैं वो एकदम दिमाग पर और दिल पर असर करने वाले होते हैं। आप इस खिताब के लिए पहचानी जाएंगी इंशाअल्लाह ताला अगर आपके सर ये चढ़े। ऐसा कौन सा सवाल वहाँ होगा ऐसा लगता है आपको कि जिसका जवाब आप बेबाकी से देंगी और ये खिताब और ये शिखर आपके सर होगा? हाँ, वो तो अभी वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा कि मैं कैसे परफॉर्म कर पाती हूँ, पर मैं मुझे वह उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि मैं कुछ ना कुछ तो वहाँ से ज़रूर जीत के आऊँगी। और जो महिलाएं हैं जो कि अपनी अपने गुण अपनी प्रतिभा को दबा कर रखी हुई हैं, या उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता या फिर वो अंदर दबा कर रख लेती हैं, तो कहीं पर उनको परिवार का सपोर्ट भी मिल पाता या फिर आपके पति जैसे सभी के पति हो जाए ऐसा होता नहीं है, उन परिवारों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं महिलाओं को यही कहना चाहूँगी कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। बहुत खूब प्रेरणा मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कितनी समय अपना हमको दिया। हम आप यूनिवर्स मिसेस यूनिवर्स कहलाएंगी और हम इन्हें आपको उस दौरान पे देखना चाहेंगे, उस प्लेटफॉर्म पे उस जीत का ताज पहने आपको देखना चाहेंगे। हमारी ग्रैंड एशियन परिवार की शुभकामना आपके साथ है। जी, आपके ग्रैंड एशियन में चैनल में मुझे निमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी आवाज़ को पूरे देश में पहुंचा दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरे छत्तीसगढ़ वासियों का और भिलाई वासियों का और पूरे देश का आशीर्वाद और सहयोग मुझे मिलता रहे और मैं इंडिया के लिए वहाँ से मिसेस यूनिवर्स का क्राउन जीत के आऊँ, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। धन्यवाद। तो ये थी प्रेरणा धाबड़े मैडम। जी हाँ, ये जनवरी में, अभी 30 जनवरी से जो 5 फरवरी तक शुरू होने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी और देश का नाम रोशन करेगी। हमारी भी शुभकामनाएं प्रेरणा मैडम के साथ है। नमस्कार।